जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूरत नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, छेनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत, रात हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत, क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले, लेकिन रुकना मत। धुलाई की दुकान है, सिगरेट दे। वो क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। अंकल कैसा है तबीयत पानी? अम्मा, अब ओ अच्छा, तो ये लड़का है कितना पढ़े ला रहे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे पिचिया माइला और वो नीचू सब गाड़ी बीड़ी वो सब वो इन्हीं के हैं। स्मार्ट बॉय, गाड़ी, इंजीनियर, तुम लोगों को फिक्र नहीं है इसकी, कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना इसके लिए। पेटी पैक। हेलो गाइस, आई होप यू आर एंजॉय द एटीट्यूड स्टेटस। प्लीज गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड गेट न्यू वीडियोज। तब पूछूंगा कहाँ है तेरा नया आशिक, और क्या था कहाँ है तेरा नया आशिक, भाड़ में जाए तेरा नया आशिक। सुना है बहुत घमंड है तुम में, कभी आओ मिलने।